राम राम सा, पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आज मैं दिवाली स्पेशल सबारी पसंदीदा मिठाई काजू कतली बनावनी बताऊंगा। यूँ तो काजू कतली बहुत तरह बढ़िया करे, पर आज मैं आपने ट्रेडिशनली हलवाई स्टाइल रे मैंने काजू कतली बनावनी बताऊंगा। इन्हीं साथ मैं आपने वीडियो में जगह जगह बताती रहूँगा किन किन जगह माते अपन गलती हो सके और उन गलती ने अपन किस तरह ठीक करनी है। जिन्हों आपने घर में मायने आप पहली बार भी काजू कतली बनावता वाला तो आपने घर में परफेक्ट बनने तैयार भेला। तो पदार में रसोई रे मायने अपा काजू कतली बनावनी शुरू करा। हलवाई स्टाइल रे मायने काजू कतली बनाने वास्ते अपा 250 ग्राम काजू लिए हाँ। ये लगभग मेजरिंग कप रे हिसाब 1.5 कप काजू है। आप कोई भी छोटा काजू भी ले सको, 2 टुकड़ा काजू भी ले सको, मार्केट में निर तरह का काजू मिले। पर इन टाइम मैं बता दूँ तो छोटा काजू है क्या तो उन माता इन तरह कोई दाग वगैरह लागूड़ आया करे या छिलका लागूड़ आया करे काजू रहा। देखो आप देख रहे हो मैंने ब्राउन ब्राउन छिलका दिख रही है। तो इन तरह छिलका वेला तो आप कतली कड़वी पड़ जा वेला, ये छिलका निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अड़ा छोटा काजू ले तो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, पर इनमान आप कचरो साफ कर लीजिए। देखो इनमान जगह जगह आपने छिलका दिखेला लागूड़ा। तो मारे बड़ा काजू मैंने कोई तरह छिलको लागूड़ा नहीं है, इन तरह रहा पूरा साफ काजू है। इस वास्ते मैं एड़ा काजू ले लिया। हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ, इस वास्ते मैं काजू ने भिगाने बनूंगा। हलवाई लोग कही है काजू ने भिगाने बनाया करें। अब इन्हें काजू ने अपना एक बड़ा धो लिया साफ, काजू ने इन तरह अपन साफ धो लेना। काजू माते मिट्टी वगैरह वेल की भी लागूड़ी साफ हो जाए। काजू पानी देखो आप धुंधला दिखने डूब गया। मैं यूज पीस ले होता पाके तो सब इन मिट्टी वगैरह होती गंदगी अपन है, कतली मजा आती थोड़ी। साफ धोने कर ला तो कही है कतली अपन अच्छी सफ़ेद बनने तैयार करें। तो पानी आपने दिख रहा गंदो हो गया पानी। अब इन पानी ने अपना दूसरे बर्तन में निकाल ले। देखो पानी इनमान निकाले पर काफ़ी धुंधला पानी हो गया। देखो अब इन पानी ने अपना साइड में रख दे। अब अपा इनमान साफ पानी डाल दे। काजू ने अपा 2 घंटा वास्ते भिगान रख दे। तो काजू भिगने बहुत ही सॉफ्ट हो जावेला, उन्हें कतली पानी अच्छी बनेला, हलवाई जड़ जड़ी बनना तैयार भेला। अब काजू भिजान रखे ना अपने 2 घंटा हो गया है। 2 घंटा में देखो काजू अच्छा भीज गया है, अच्छा फूल भी गया है। देखो काजू आराम सॉफ्ट हो गया है। अब तोड़ रही है देखो काजू टूट रही है, इतना सॉफ्ट काजू हो जावे। सब काजू अपना सॉफ्ट हो गया है। अब इनमान अपना पानी निकाल ले। अब पानी निकालने वास्ते अपने एक बाउल लिए हाँ, एक जरूर उन्हें पतला लगा दिया। इन तरह पूरा अपना पानी इनमान निकाल लिया। इन पानी ने अपा साइड में रख दे। अपा 250 ग्राम काजू लिए हा, इस वास्ते अपा 200 ग्राम शक्कर ली हुई हाँ। मेजरिंग कप रे हिसाब देखो तो पूर्ण कप शक्कर है। तो आप कहना मेजरिंग कप है तो आप पूर्ण कप शक्कर ले लीजिए। लगभग 200 ग्राम शक्कर आवेला उनमें। इन ज़्यादा मीठो आप खाना हुआ तो आप 1 कप शक्कर भी ले सको, पर पूर्ण कप शक्कर मैंने सफिशियंट मीठो बनना तैयार हो जावेला। अब सब पहले अपा शक्कर पीस ने तैयार कर दे। आ शक्कर है मिक्सर छोटा वाला जार में डाल दे, ढक्कन लगाने शक्कर पीस दे। शक्कर पानी पीसीज की है, इन तरह शक्कर पाउडर बनाना तैयार कर ले। अब इन शक्कर ने अपा साइड रे माइंड रख दे। अब दूसरा वाला मिक्सर जार ले लें अपा। अब मिक्सर जार रे माइंड अपा काजू डाल दे। काजू पर भी जान रखे नहीं बीज काजू पर दे दिया। अब इन काजू ने अपा पीस ले। अब बार अपा ने पानी नहीं डालना इन माइंड। इन टाइम आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि पीसा जार पानी अपना कम कम ऐड करना है। ज़्यादा डाली भी जाए आप कोई बात नहीं, क्योंकि जिन टाइम आपने ज़्यादा डाल देना तो उन्हें पकौड़ में थोड़ी अपने जेज लगेगा। दूसरी बात है आपने एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आप देख रहे हो मैं इन्हें खोल रही हूँ, वापस मिक्स कर रही हूँ, उन्हें बाद में मैंने इनमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। और हर बार आपने पानी नहीं डालना है, एक बार आप इन्हें खोलने देख लो पानी कम लगे तो एक बार डालियो, फिर वापस चला लियो, उन्हें बाद में मैंने फिर आप खोलने फिर मिक्स कर लो एक बार न फिर चला लो। फिर सूखो लगे उन टाइम आप थोड़ा और पानी डाल दो। काजू रो नेचर ओ या करे साग एक बार आप पानी डाला तो सब जगह पानी नहीं फैलिया करे एक बार में। तो एक बार पीस ला अपा पच खोलिया रे पचे वापस एक बार मिक्स कर लेना, बेर अपना पीस लेना। यूँ करना धीरे धीरे सब जगह पानी लागता रहे पीसीस तो रहे। थोड़ी टाइम लगेला पर कही है अच्छा स्मूथ पीसीज ने तैयार हो जाला। इन तरह पानी देखो अच्छा स्मूथ पीसीज ने तैयार हो गया है, पर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं पीसी जा करे, थोड़ा सा दर्द रहा करे। एडो पेस्ट बनाने लगभग अपना 6 टेबल स्पून वजह तो पानी लाग गया है। तो आप पानी कम भी लाग सके और ज़्यादा भी लाग सके। अब इन काजू का पेस्ट ने अपन साइड में रखना। एटे मैं आपने बता दूं काजू कतली बनाने वास्ते मैं एक भारी पैंदर पैन लिए हूँ और एक ही पैन रे मैं ना कतली बनाने तैयार करूँगा। इनमें कोई अपना अलग चाशनी वगैरह नहीं बनावला। इन टाइम आपने ध्यान रखना जरा भी आप काजू की कतली बनावो उन टाइम आपने जो बर्तन लेव के वो भारी पैंदर बर्तन होना चाहिए। आप लो रकडालो भी ले सको, स्टील रकडालो भी ले सको, नॉन स्टिक भी ले सको, पर पैंदो अपना हैवी होना चाहिए। पतले पैंदर आप लेवला तो काजू उनमें छेटना शुरू हो जावेला,
ने शक्कर भी आप कड़वी होगी और उजाला तो आप महंगे भाव की कतली खराब हो जावेला। मैं तो नॉन स्टिक पैन लिए हूँ, आप घर में नॉन स्टिक रो इस्तेमाल करता हुआ तो आप नॉन स्टिक ले लीजिए, पर थोड़ा हैवी होना चाहिए। अब इन काजू का पेस्ट ना पकड़ डाल मैं निकाल ले इन हिसाब से अपना शक्कर जी की पीसी हाँ वह भी इन मैं डाल दे। और मैं आपने बता दूँ हाल तक मैं गैस माता नहीं रखी हूँ, अपन ने इन तरह शक्कर ने न काजू ने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। और काम अपना बिना गैस माता रखने करना, गैस माता रखने करो लाता जीते अपना कहीं एक बलना सर हो जाएगा, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। हलवाई लोग भी इन तरह बनाना तैयार करे करें, अपा घर बुलाया करें कंदोई ने जरा काम करने वास्ते वही इन तरह बनाना तैयार करे करें। अपा बहुत कम पानी डालना इन्हें काजू ने पीसी हाँ इन वास्ते इन टाइम अपना मिक्स कर रही हाँ तो इनमें थोड़ा थोड़ा दाणा दिख रहा काजू रहा, तो आप चाहो तो इन दाणा ने यूँ ही रख सको, नहीं तो शक्कर डाले अरे पाछे आप कहीं थोड़ा पेस्ट वजू बन जाया करे थोड़ा गीलो हो जाए तो उन्हें अपने मिक्सी के जार में डालने पाछा पीस लेना। बहुत बार एडो होया करे कर दाणा रह जाया करे कम पानी में पीसा जा रहा, पर आपने इन बात का ध्यान रखना है कि पैन रमाई ने काजू रे पेस्ट आते शक्कर मिक्स कर बाद रमाने आपने पाछा पीसना है। अगर आप काजू पीस यार बाद रमाई ने उन्हें मिक्सी जार रमाई ने शक्कर डालने पीस लो ला तो मिक्सी रमाते लोड ज़्यादा आवेला, नहीं तो अच्छा पेस्ट बनना तैयार नहीं वेला। उन्हें भी चाहो ज़्यादा अच्छा है एक बार आप कडाल और माइन डाल लें काजू ने शक्कर ने मिक्स कर लो, उन टाइम आपने दाणा लागता हुए तो मिक्सी जार में डाल लें वापस पीस लो, क्योंकि उन टाइम आप शक्कर और काजू घालने से अपना अच्छा पेस्ट बन जावेला थोड़ा गिलो भी हो जावेला। तो आप देख रहे हो कि मैं इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में वापस पीस लिया हूँ तो पेस्ट बहुत ही अच्छा स्मूथ और चमकदार बनने तैयार हो गया। मैंने हमारे घर में मैंने इन इस तरह पेस्ट बनाने काजू की कतली बनावनी पसंद है, इस वास्ते मैं हमेशा इन तरह बनाया करो। तो दो मिनट अपने ला गया है न पेस्ट अपना देखो एकदम परफेक्ट बनने तैयार हो गया। पहले अपना कितना दर्दर लाग तो अभी देखो एकदम स्मूथ लाग रही हो मक्खन में जो हो गया देखो, तो हलवाई भी अच्छा बनना तैयार हुआ है। इन तरह बनाओ आपा घर में तो बहुत ही अच्छा बनना तैयार हो जाएगा। यह छोटी छोटी ट्रिक है जिसकी आपने ध्यान रखनी चाहिए। देखो इन मन कोई भी दाणा नहीं दिख रही है, मिक्सी मत लोड भी नहीं आवन चीज़ अपन अच्छी बनना तैयार हो जाती है। अब इन्हें अपा पकाना शुरू करा, अब अपा गैस ना चालू कर दिया आँच अपन स्लो और मीडियम के बीच में कर लिया न कंटिन्यू इन्हें चलावता रहना अपना। कटे आप छोड़ दिया तो नीचे चिपकना शुरू हो जावला। जो मैं आपने पहले काजू की ग्रेवी बनाई उन टाइम बताई ही कि काजू अपा जरा भी पकावा क्या तो बहुत चिपिया करे, इस वास्ते अपन आँच धीरे रखनी है, थोड़ा टाइम लग गया करे पर चीज़ अच्छी बनना तैयार रहे। यूँ तो अपने घर में दिवाली माता बहुत तरह की मिठाई बनाया करें आप, पर काजू की कतली सबार पसंदीदा होया करे। घरे बना तैयार करा जो घर के हस्ती भी बनने तैयार हो जाए एक प्योर चीज़ बनने तैयार हुए, तो प्योर चीज़ खाऊना अलग ही मजा होया करे। आप घर में एक बार बनाने देख जाओ पचा आप बाजार उलावनी भूल जाओ ला आपने अच्छा नहीं लागे ला बाजार की कतली और टेस्ट भी अच्छा नहीं लागे ला। मैं हमारे घर में बहुत सालों बनाया करूँ इन तरह मन बाजार की कतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लागे करे। अब इन पकाता लगभग पाना 18 मिनट हो गया है क्योंकि मैं धीरे आँच रे मानिया पका रही हूँ तो इन मान कोई तरह दाग वगैरह नहीं आया। देखो आप तेज आँच पकाता दाग आ जाता और काफ़ी गाढ़ो हो गया देखो इन कलर देखो आपने थोड़ा ऑफ वाइट लाग रही है एकदम सफ़ेद जक नहीं लाग रही है क्योंकि बाजार वाला तक ये सफ़ेद कलर करने वास्ते उन्होंने हाइड्रो पाउडर डालिया करे जो एक तरह केमिकल होया करे जिन्हों कतली है क्या सफ़ेद बनिया करे, पर अपा घर में बना रही है इस वास्ते अपने केमिकल हाइड्रो कलर की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे देखो पूरा इकट्ठो होना शुरू हो रहा है, जो इकट्ठो होना शुरू हो जाए क्या जल्दी जल्दी पक जा पचा, अपन बहुत ज़्यादा ही नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा पका लाला के तो अपने कतली थोड़ी सूखी सूखी बनने तैयार हो जाएगा। अब मन लाग रही है थोड़ा को पकड़ मत आई गया है, आपने आपने घर में कोई बनाता वाला तो वहाँ भी ध्यान पड़ गया वाला कि इन तरह वो पूरा पक गया क्योंकि पूरा इकट्ठो हो गया देखो पूरा एक लूंदो बन गया इन्हें इन तरह पूरा कड़ा लेना छोड़ दिया है। तो आप घर की कर चेक करो ला आप नवा नवा बनाना सीखा वो तब की कर चेक करो ला इन टाइम अपन आँस ने और भी धीरे कर देनी न थोड़ा सा अपना एक प्लेट में ले लेना थोड़ा सा प्लेट में ले ने हल्को ठंडो कर देना इन्हें इन्हें बराबर चलाओता रहना ये तो चढ़ जावाला नीचू आँस धीरे कर दिया तो भी चढ़ जावाला। अब ठंडो करना रखिए हाँ जी को अपा एक बार देख ले इन हाथ से मैंने इन तरह गोली बना देख ले गोली बन रही है इन्हें मतलब बराबर बन गया अपन कतली बन जावाला इन्हें आराम गोली बन गया देखो इन्हें कतली अपना आराम बन जावाला। पहली बार आप कर रही हो तो आपने इन तरह करना देख ले होना धीरे धीरे आपने अपना आप ही समझ पड़ जावाला कि जरा पूरा कडालो छोड़ना शुरू कर देला जरा आपने ध्यान पड़ जावाला को बराबर बनना तैयार हो गया। ये तो मैं धीरे आँच रे मैंने सेकी हुई वास्ते मैंने 25 मिनट लाग गया है तो आपने थोड़ा टाइम बहुत कम लाग सके पर लगभग इतना दिन में आज में सेकोला तो इतनी टाइम लाग जावेला ज़्यादा पकवा ने अपन जरूरत नहीं है। अब गैस ने बंद कर दें आप इन्हें हल्को सा ठंडो करना रख दें आप। अब इन कतली बनाने वास्ते मैं एक प्लास्टिक की सीट ली हुई हूँ
आपने घर में प्लास्टिक सीट हो तो प्लास्टिक सीट ले सको, नहीं तो बटर पेपर हो तो वो भी ले सको। अब थोड़ा सा घी लेना इन माते सब जगह फैला दे वहाँ, जिन्हें कई वाला चिपके लाने इन माते। अब कतली डो जो बनाए आप के वो इन माते डाल दे वहाँ, पूरा डो न पानी तरह साफ करने इन मात ले लेवा, न थोड़ी देर वास्ते पानी तरह फैलाना ठंडो कर लेवा। इन्हें हल्को ठंडो करना, ज़्यादा ठंडा नहीं करना अपन। अब हल्को सा घर में पानी अच्छी तरह इन तरह गूंदना, थोड़ा इन तरह गूंद लेना। जो कही है काजू रमाइन अपन तेल वगैरह होया करे वो रिलीज हो जाया करे, अच्छा स्मूथ बनना तैयार हो जाए, मैं चमक भी आ जाया करे इनमें। काजू बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बहुत ज़्यादा तेल निकल जाओ अपन, इतना नहीं गूंदना, थोड़ा तेल रिलीज होना और हो जाएगा इनमें निकल, उतना ही गूंदना। देखो इनमें तो बहुत अच्छी चमक आ रही है, इनमें जो तेल निकल रही है जो इनमें अच्छी चमक आ रही है, आप दिख रहे हो देख कितो अच्छा चमकदार दिख रही हो तू। तो इनमान अपन कोई गीते लगो जरूरत नहीं, इनमान भी निकलिया करें अपन। अब इन्हें अच्छी तरह गूंद लिया हाँ, न बटन वास्ते पर एक बेलन ले लिया, बेलन में थोड़ा सा घी लगा दिया बस, जिन्हों कोई चिपके नहीं है, आराम बटी जा देगा। जब तक हो सके आप इन्हें स्क्वायर बटन तैयार कर लीजिए, नहीं तो साइड आप है थोड़ा इन तरह कर लीजिए। अपन कोई स्केल ले परी इन तरह अपन कर ले, जिन्हों कई वाला हमारा सॉफ्ट वह नहीं जितना जितना इन्हें सेप हो जाए बराबर। देखो अच्छा तरह स्क्वायर बन गया है, साइड बाबी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करी, मैं बहुत ज़्यादा झाड़ी भी नहीं रखी। मैं आखिर मैंने आप बाजार जो लुक दे वास्ते इन माते आप चांदी रबरक लगा दे, आप कहना चांदी रबरक वह तो ही आप लगाइजो, नहीं तो भले यू ही खाओ तो काजू और कतली तो उन्हें स्वाद अच्छा ही जावेला। कि मार्केट में नहीं रखे एल्यूमिनियम रबरक भी आवना रोक गया है, तो प्योर मारे प्योर चांदी रबरक है जिन्होंने मैं यूज़ कर रही हूँ। पूरी कतली माते आप इन तरह रबरक लगा दिया, अब इन बर्फी ने आप जमन वास्ते रख दी हाँ, और आपने ध्यान रखना है कि जिन टाइम आप बर्फी जमा उन टाइम अपना नहीं काटनी, कोई भी बर्फी हुआ उन्हें अपने 7-8 घंटा तक सेट होने टाइम देने चाहिए। यदि आप ज़्यादा पकाना है उन टाइम रही काट लो ला तो धीरे धीरे बर्फी वह सूखी हो जावेला, तो 8-10 दिन बाद में भी खोला तो और ज़्यादा वह हार्ड होती जावेला, तो खाउंड में उन्हें स्वाद अलग लगेला। पर इन तरह आप जमाते टाइम बर्फी ने सॉफ्ट रखोला तो बर्फी आप रही अच्छी बढ़ने तैयार वेला, और 8-10 दिन 15 दिन पचे भी आप अच्छी लगेला खाउंड में वह हार्ड नहीं पड़ेला। इस वास्ते मैं इन बर्फी ने 7-8 घंटा वास्ते जमाने वास्ते रख दूला। वह कतली जमाने रखिया ना अपने 8 घंटा हो गया है, 8 घंटा मैंने कतली देखो अच्छी तरह जम गई है, पूरी फॉर्म हो गई है। अब इन्हें अपना प्लास्टिक माते नहीं काटा ला, इन तरह चकले माते ले लिया हाँ, सब पहले अपन इन्हें साइड पोर्शन काट ले वहाँ, तो कट रही है जिन हिसाब आपने लाग रही है देखो परफेक्ट कट रही है, देखो अच्छी तरह देखो कट गई, बहुत ही अच्छी जमना तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट कतली बनना तैयार हुई है। देखो अब इन जगहों आप एज देख लो एकदम कितनी स्मूथ हुई है, देखो आज आप गिली काट लियो ताकि इतनी अच्छी एज नहीं आती, स्मूथ नहीं आती सारे तरह को, इन तरह मैं एज नहीं निकाल ली। देखो अब भाई इन्हें अपना खड़ी साइड रे मैंने इन तरह चेयर का लगा दे वहाँ, आप परफेक्ट बनियोड़ो वेला चाकू इनमें चिपके लेने, देखो आराम हो, देखो अलग हो रही है, देखो एकदम परफेक्ट बनिए, देखो नहीं स्मूथली कटना तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हो चाकू एकदम क्लीन ही जाया, देखो इनमें चिपक क्यों नहीं काट चाकू में, अगर बराबर नहीं जमेला तो चाकू में तो चिपक जावेला। अब इन्हें अपना तिरछी काट ली वहीं तरह, आप हिसाबू आप छोटी या बड़ी कतली काट सको, देखो कतली कितनी अच्छी कटना तैयार हो रही है, बहुत ही सुंदर लाग रही है, दिखने में लागे आपने एकदम मार्केट को खरीदने लाए वजह तो स्मूथ बनी है और बहुत ही सुंदर बनना तैयार हुई है। इन तरह आप अपने घरे बनावाला एक बार तो मार्केट को कभी भी आप कतली नान नहीं खावाला, इन्हें स्वाद भी एक अच्छा होया करे न हलवाई जड़ जड़ी बनना तैयार हुए। आ कतली अपने लगभग 160 रुपये रे मैंने 450 ग्राम बनना तैयार हो गई है, जबकि मार्केट रे मैंने लगभग 1200-1300 रुपया किलो मिला करे। तो इन तरह काजू की कतली बनाना आप फ्रीजर बाहर भी रखोला तो 15 दिन भी खराब नहीं होला, और फ्रिज में रख कोला तो महीने भर भी खराब नहीं होला। तो आप भी आपने घर में ना काजू कतली जरूर बनाइजो, ना आपने कुछ प्रॉब्लम होती हुए तो कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। तो मिला पाड़ी दूजे वीडियो रमाइने, जब तक राम राम सा।